हमारी बसंती का बसंती लेटी हुई आराम से, थक गई है ना। मेरा घर यहाँ से 39 किलोमीटर, हाँ सही सुना गाइस, और 8:30 बज गए हैं, 8:30 ही बज रहे हैं, इतने का ही टाइम हो रहा है। और ऑन रोड ही है समझो, बड़े अच्छे रोड हैं यहाँ के भी, गाजियाबाद। इस टाइम हम अभी अंदर हैं, गाजियाबाद के अंदर हैं। स्क्रीनशॉट देखूँगा, ले लूँगा और आपको दिखा दूँगा, नहीं आया तो आप मानना। अभी तो सीधा ही सीधा दिख रहा है, ये ऑन रोड चल रही है। गेम अच्छी हुई है आज, पर थोड़ा है ना, थोड़ा वो मार के खेल रहे थे, इस चक्कर में ना उनका रैफ था, रैफ होता है फुटबॉल में, तो उनका रैफ है ना उनके साथ था इस चक्कर में। अब जैसे रैफ होता है ना, अगर मान लो वो मेरे साथ हुआ ना, तो आप समझोगे अगर मतलब फाउल वाउल ना दिया तो फिर आपके है ना चांस ज़्यादा हैं जीतने के। और वही हमारा था कि उनके है ना चांस बन रहे थे, और मतलब क्योंकि उनका ग्राउंड था ना इस चक्कर में, हम उनके ग्राउंड में गए। अब जैसे मान लीजिए आप हमारे ग्राउंड में आते, कोई भी हमारे ग्राउंड में आता है, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी मिलेगा, हाँ भाई, कि हमारा रैप हमारे साथ होगा। हर जगह ऐसा ही होता है। हमारा एक प्लेयर इंजर्ड कर दिया उन्होंने इस चक्कर में, हमें थोड़ा है ना। अब जैसे आज तो जल्दी हो गई गेम, नहीं तो ये समझो 15 मिनट का हाफ ही हुआ था, सेकेंड हाफ हमारा 15 मिनट का ही हुआ था, फिर उसके बाद बंद कर दी गेम। और करीबन अब ये हापुड़ रोड पे लेकर जाएगा मुझे, और 39, अब तो 38 हो गया, पहले 39 किलोमीटर था। ऐसे ही रोड मिलने वाले हैं तो मज़ा आ जाएगा। अगर आगे कोई सुनसान रोड हुआ फिर मेरी, थोड़ा आपको पता है सुनसान रोड पे मैं वीडियो नहीं बना पाता, डर लगता है गाइस, क्योंकि है ना यार कैमरा वैमरा है, और ये कुछ हमारा सेटअप है, नीचे ऐसे ही जाना पड़ेगा आज हमको। और ये देखो कुछ आया ना सेटअप, यहाँ का सीन है क्या है, सीमा पूरी बॉर्डर 13 किलोमीटर, यहाँ कुछ अपने कुछ काम का नहीं लग रहा। और आनंद घर अभी पिछले पोर्ट में बता रखा था 23 किलोमीटर, इससे पीछे था, यहीं से 500 मीटर की दूरी पे 23 किलोमीटर।
बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलाने पे। और हापुड़ रोड पर हूँ, ये कुछ संतोष करके है यहाँ पे, हापुड़ रोड दिखा रहा है मैप पे, और 35 किलोमीटर है। बहुत सारे पुल चढ़ने के बाद गाइस एक और पुल आ गया, अभी तो कम से कम 5-6 पुल और हैं मेरे ख्याल से तो घर तक जाते जाते, नहीं नहीं 4 तो उसी के हुए, 4 उस वाले रास्ते पे आए थे। कम से कम भाई 15 पुल हो रहे हैं, कम से कम 15 कुछ रोड है। अंकल दिल्ली सीधा पड़ेगा, दिल्ली सीधा पड़ेगा, अंकल ने कहा सीधा पड़ेगा। सो गाइस ये कुछ मेरे आसपास का माहौल है, ये कुछ तिरंगा टाइप का कुछ बन रखा था, लाइटें लगा रखी तिरंगा वाली। वैशाली कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर है गाइस, और आनंद विहार कम से कम 5 होगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा रोड समझ में आ रहा है, अब मुझे लगता है मैं बिना मैप के घर पहुँच जाऊँगा। और भैया अभी एक भैया मेरे से कह रहे बोले कितना चलाते हो साइकिल, मैं 100-150 पे पहुँच जाती है, वो भी हफ्ते में दिन, बोले बहुत बढ़िया लगे रहो, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने मेरे चैनल का नाम मतलब ना वो भी लिया है, चैनल पूछा कौन सा चैनल के हो, क्या चैनल है तुम्हारा, किस नाम से है, तो मैं बोला हंगरी साइकिलर चैनल से हूँ मैं उसका मतलब हंगरी साइकिलर मेरा खुद का चैनल है। तो वो बोले बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, लगे रहो आने वाले टाइम पे, बहुत तरक्की करो, ऐसे बोला उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ ये पल दिखे, मतलब चलो इसे कैप्चर कर लूँ, अगर मैं आने वाले टाइम पर यूट्यूब पर अगर पुराना भी हो जाता हूँ, अभी तो मैं नया नया हूँ, आने वाले टाइम पर अगर मैं पुराना भी हो जाता हूँ तो मैं ये सी चीज़ें देखता रहूँगा, और इसी चीज़ों से ना अपना ना टाइम स्पेंड करूँगा। अब ऐसे होता है ना 60 की, अब फिर मैं साइकिल मुश्किल ही चला पाऊँगा। देखो अभी मैं 60-70 हुआ मेरा साइकिलिंग का, फिर मैं छोटे छोटे रूट पे जाऊंगा साइकिलिंग करने, ज़्यादा लंबे रूट नहीं करूंगा। तो मैंने सोचा चलो इस पल को थोड़ा कैप्चर करा जाए और आपके साथ थोड़ा शेयर करा जाए। ये क्या कर रहा है भाई, अंधेरे में आया भी ठुक जाता है ये, और कितनी ग्रीनरी कर रखी है, मज़ा आ जाता है यार। और आज मैं जिस साइड गया ना भाई, क्या झहर जगह थी यार वो, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं, यहाँ तो है हल्का हल्का लग रहा है थोड़ा पोल्यूशन नाक में, पर मैं ना उस साइड गया ना कोई पोल्यूशन नहीं, मज़ा आ गया। पहले मैं नेचुरल हवा फील करी, मज़ा आ गया था, अब यहाँ भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, पर यहाँ थोड़ा थोड़ा तेज ग्रीनरी आ गई। देखो ये यहाँ देखो कितनी अच्छी खुशबू आ जाती है, मज़ा आता गाइस ऐसी जगह पे वीडियो बनाने में, फ़ोटो शूट करवाने पे। मेरे साथ कोई मेरा कैमरा मैन है नहीं, मैं आज अकेला हूँ, सोलो हूँ, आपको पता है वैसे मैं सोलो राइडर हूँ, तो इस चक्कर में सोलो ही जाता हूँ हर जगह, अकेला ही जाता हूँ। तो आज मेरे जो दोस्त थे वो मेट्रो से चले गए, और मैंने सोचा कि यार मैं ना साइकिल से आना जाना प्रेफर करूँ, क्योंकि हमारा प्लेयर जो इंजर्ड हुआ ना उसका मेरे को बड़ा दुख है, और मेरे को बड़ा मतलब अफसोस सा हो रहा है यार, बहुत हम दूर गए, कोई इज्जत नहीं करते ना। फिर वैशाली का व्यू है, अभी वैशाली मैंने क्रॉस करा है, अभी पता क्या हुआ, मैंने ना मतलब देखी दिल्ली गाड़ी, मैं उतर के नाचने लग गया, फिर मेरे को याद आया मैंने मैप में देखा, पहले भाई मैप पर देखता हूँ, फिर मैंने मैप में देखा, फिर देखा तो भाई अभी यूपी में होगा, तो 1 घंटा होगा यूपी में, और आनंद विहार बिल्कुल आने ही वाला है, आनंद विहार इस तरफ पड़ेगा जो उसका। अरे भाई भाई बस यार ये बस अभी पता यार तुरे आज ही मतलब निकाली है, बस अपनी ज़रा मैं इस तरफ लूँ, ये ऑटो जिस साइड जा रहे हैं, एक बंदे ने मुझे बोला ऑटो के पीछे पीछे निकलते जाओ और तुम पहुँच जाओगे सीधा आनंद विहार पर। अब मुझे है ना लग रहा है मैं ना कुछ जाने पहचान रोडों पे हूँ, क्योंकि मेरी मासी रहती है ना इस साइड है थोड़ा। ये देखो उत्तर प्रदेश लिखा आ गया, हम दिल्ली में घुस चुके हैं, लिखा आ गया उत्तर प्रदेश में, पधारने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर विजिटिंग उत्तर प्रदेश, थैंक्स फॉर योगी सरकार, हमें इतने अच्छे अच्छे रोड दिए, मुझे मैप का बहुत बहुत धन्यवाद मैप, तब जाके यार अगर मैप ना होता तो यार कैसे आता। मेरा एक जानकार था, उसने मुझे सजेस्ट करा, मतलब वहाँ मिला बन गया वो मेरा जानकर, उसने मुझे सजेस्ट करा कि तो मैंने इस तरफ से जाओ, तो मैं उसी तरफ से गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, मुझे आपका नाम नहीं पता, क्योंकि आप मेरे एकदम जानकर बने हो, अगर आपका ज़रूर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ज़रूर आप मेरे को एक है ना डॉट डाल लो, या अपना नाम लिख के उस इस वीडियो पर ज़रूर करना। कि दे वक्त गाइस मेरे को 38 था, और जाते वक्त मैं 41 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर ज़्यादा चल के जा रहा हूँ, और इस चक्कर में
ये देख रहे हो गाइस, सीमापुरी वाला इलाका है, सीमापुरी वाला बड़ा खेचर वाला इलाका है गाइस। आमीन, बड़ा खेचर वाला इलाका है ये वाला सीमापुरी। मैं गाइस जाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब मैं पहुंच चुका हूँ गाइस भजनपुरा, कम से एक डेढ़ घंटा साइकिल चलाने के बाद भजनपुरा पहुंचा हूँ। यहाँ से एक घंटे का और सफ़र है, वो पूरा करता हूँ जल्दी जल्दी और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में हंगरी साइकिलर। ओ दादा, एकदम ही खोल दिया उसने, मुझे नहीं पता था मेरे स्टैंड उसका स्टैंड नहीं है। गलती मेरी भी थी, उसकी भी थी, जिसकी भी थी, अपने हो गया वजीरा। मेरी बसंती को आज मैंने ना वो नहीं दिया, मतलब कभी कभी रेस्ट दे देता हूँ 10 किलोमीटर, जैसे मैं कंटिन्यू चलाता हूँ ना। तो गाइस पुल चढ़ते वक्त थोड़ा मैंने सोचा रेस्ट लिया जाए, क्योंकि यार पड़ी है ना टांगें दर्द सी कर गई हैं। और अभी भी करीबन गाइस 41 टोटल था, अभी मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर तो होगा, 20 या 10 तो होगा नहीं, 10 तो वही है। तो मेरे ख्याल से आराम से गाइस 15 किलोमीटर तो होगा। मैप पर देखा नहीं क्योंकि ये जाने बजाने रोड हैं, इस चक्कर में मैप पर देखा नहीं है। और ये कुछ अपनी पसंदी की हालत है, आपको आराम से रोक कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये रेस्ट है, ये मेरा रेस्ट है, पसंदी का कोई रेस्ट नहीं है। ये कुछ व्यू है, देख रहे हो क्या सेटअप बना रखा है मैंने, ये देख रहे हो क्या सेटअप है। और ये कुछ अपने कैमरे का सेटअप है, यहाँ अपना कैमरा रखता हूँ मैं इसके अंदर, और ये कुछ सेटअप बना रखा है, देख रहे हो क्या जहर सेटअप है भाई। थकान सी हो गई है, भूख लग रही है, उससे ज़्यादा प्यास लग रही है, अगर प्यास बुझा दी तो भूख फिर लगनी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैं दोनों को, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा। गाइस ये है कुछ खजूरी, खजूरी एक जगह का नाम है। मज़ेदार राइड है, मैं और मेरी पसंदी मज़ेदार राइड पर। अरे 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 ये क्या था यार, ये साइड क्यों नहीं करा, ये कुछ अलग सी चीज़ आई थी, ये अगर चुप जाता ना मेरे टायर में काम ख़राब हो जाता, टायर हवा भी ना मिलती। देरी रोड हो रहा है गाइस, हाईवे है ना इस चक्कर में, भले ये सर्विस रोड है हाईवे नहीं है, हाईवे भी कह सकते हैं सर्विस रोड भी कह सकते हैं, कोई मेन रोड है और वो गाइस हमारा सिग्नेचर ब्रिज। चलो आगे चल के देखते हैं इस ब्रिज को और थोड़ा सा आराम करते हैं, पानी तो है नहीं, पानी थोड़ी आगे से भरते हैं फिर पीते हैं, देखते हैं लेते हैं कहीं ना कहीं से। गाइस एक बार फिर आ गए हम सिग्नेचर ब्रिज पे, ये है कुछ 10 बजे का व्यू, 10 बज चुके। ये कुछ गाइस अपनी पसंदी का लुक है और ये साथ में खा रहे हैं हम आइस क्रीम, प्यास लग रही थी और सिग्नेचर ब्रिज पे बैठकर, नाइट व्यू पे सिग्नेचर ब्रिज पे बैठकर। और यहाँ कुछ लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, बहुत बड़ी यार, क्योंकि है ना ये है ना बहुत अच्छी जगह है, मतलब सिग्नेचर ब्रिज, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं ना इसको देखने के लिए। और ये हमारी गाइस देख रहे हो, बसंती देखो कितना आराम से खड़ी हुई है। और ये है कुछ सिग्नेचर ब्रिज का व्यू आइसक्रीम के साथ, सिग्नेचर ब्रिज पर बैठ के सोलो राइड इन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया। ये चीज़ है ना, अगर मैं फ्रेंड के साथ आता ना, अपने दोस्तों के साथ आता तो ये वहाँ ना कर पाता। अगर गाइस मैं ना अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता ना तो मुश्किल था, ये चीज़ है ना मैं ना मतलब इन्जॉय कर पाता, ये और वहाँ सिग्नेचर ब्रिज इन्जॉय हो ही नहीं पाता गाइस, देख रहे हो। एक और गाऊंगा, मतलब इतनी बढ़िया आइसक्रीम है ना, मज़ा आ गया कसम से। आइसक्रीम खा ली है गाइस, सिग्नेचर ब्रिज से निकल चुके हैं। और ये गाइस सामने जो लाइट जल रही है वो तिब्बती मार्केट की है, तिमारपुर तिब्बती मार्केट, तिमारपुर लेफ्ट, आजादपुर सीधा, करनाल भी सीधा, अपने को आजादपुर करनाल वाली साइड जानी है, चलते हैं। ऑन रोड साइकिलिंग आ चुकी है गाइस हमारी। और गाइस मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ये जो नाइट है ना, नाइट में मेरे को घूमना अच्छा नहीं लगता, साइकिलिंग अच्छी नहीं लगती, जो इसमें मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा ना, रात का एक्सपीरियंस, रात को क्या है, कैसे लोग घूमते हैं, कैसे नहीं, कैसे किससे मतलब रखना है नहीं रखना, क्या मतलब सब कुछ, जो कि मैं सीख रहा हूँ, यही जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, एक तरीके ट्रेनिंग है, छोटे छोटे रूट पे जाना, आने वाले टाइम पे लंबे रूटों पे जाऊँगा तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। ये छोटा छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस होते हैं सबको प्लस करके एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस बनेगा। जैसे हम एक वो करते हैं मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही है ना, ये भी मेरा है ना एक प्लस पॉइंट बनेगा,
ये एक एक्सपीरियंस का पॉइंट बनेगा मेरा, वो यही एक्सपीरियंस जैसे मेरे को अब मैं गाजियाबाद से दिल्ली तक आया कैसे आया, ये एक्सपीरियंस है मेरा। और मतलब मेरे क्या क्या वहाँ पे क्या क्या, जैसे मैं सीमापुरी में घुसा कैसे कैसे लोग मिले, कुछ अच्छे ही मिले कुछ गंदे ही मिले। एक भैया अच्छे मिले, उन्होंने मुझे शॉर्टकट बताया, पहले मुझे डाउट हो रहा था उन पर, फिर उसके बाद मैं जब उनके साथ चला मैं चल एक बार चल के देखता हूँ कुछ नहीं होता है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोल के गया मैं, हैं खुद आमीन बोल के गया। फिर उसके बाद मैं जो एक्सपीरियंस लिया वो भैया बढ़िया थे, यही एक एक्सपीरियंस होता है गाइस। करीबन मेरा यहाँ से घर 4 से 5 किलोमीटर है, सो गाइस 4 किलोमीटर रह गया हमारा घर यहाँ से, और करीबन 20 मिनट लगेंगे पहुँचते पहुँचते। ऑन रोड साइकिलिंग चल रही है, कम से कम 20 की स्पीड जा रही है आराम से, क्योंकि थक गया हूँ ना आराम से, नहीं तो वैसे 25 की चला लेता, 5 का डिफरेंस आया है, 5 कम चल रही है तो इसलिए 20 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट। और मैं सो रहा हूँ आराम आराम से चलाऊँ अब ज़्यादा कोई, क्योंकि दिल्ली के अंदर आ चुके हैं, 4 से 5 किलोमीटर रह गया है, बसंती को भी थोड़ा रेस्ट दूँ। तो हमारा वही पुराने वाला डायलॉग, क्योंकि ब्लॉग तो यहीं पर मैं थोड़ा ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, वही पुराने वाला डायलॉग, बड़ों को नमस्ते छोटों को हेलो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, टेक केयर बाय बाय खुदा हाफिज़।